नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते खबरों की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 को लेकर आज अहम बैठक लखनऊ में होनी है। इस अहम बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद पर फिर से ताजपोशी को लेकर औपचारिक रूप से मोहर लग जाएगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी को विधिवत नेता चुना जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में डिप्टी सीएम को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर उनके समक्ष 273 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे लोक भवन में होगी। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि जो दूसरा कार्यकाल है उसकी औपचारिकताएं आज पूरी होंगी और 273 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का आज सीएम दावा करेंगे। उसके बाद कल 4 बजे राज्यपाल द्वारा उन्हें शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी को विधिवत नेता चुना जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में डिप्टी सीएम को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो सकता है कि आखिर कौन होगा राज्य का नया डिप्टी सीएम। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद भी मुख्यमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर ही बाकी विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर उन्हें पेश करेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज जो बैठक होनी है वो काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में जहां औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी तो वहीं डिप्टी सीएम के जो चेहरा है उसका भी खुलासा हो जाएगा, और क्या कुछ देखने को मिल सकता है आज? जी शिखा, आज लोक भवन में 4 बजे अमित शाह, जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पर्यवेक्षक, वह उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो कि सह पर्यवेक्षक हैं, इन दोनों की आज अब जीते विधायकों की आज राजभवन के अंदर में मीटिंग होनी है और 4 बजे ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और साथ ही साथ आज शाम में ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि डिप्टी सीएम की जो रेस है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह और एके शर्मा और आपकी आगरा से जीत के आई पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य जैसे चेहरे हैं, उनपे भी उनके भी नाम का खुलासा होता हो सकता है। और साथ ही साथ आपके जेपी नड्डा भी कल शाम देर शाम लखनऊ के अंदर में आए हैं और साथ ही साथ आज अमित शाह आज से ही वो लखनऊ में आ जाएंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। तो कहा यह जा रहा है कि मंत्रियों के नाम पे भी मुहर लग सकती है और साथ ही साथ विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद जो उप मुख्यमंत्री की रेस है, और अटकलें लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा कि उत्तराखंड में खटीमा से चुनाव हारने के बाद पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हवाएं तेज हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फिर से बनाया जा सकता है। वहीं अब ये भी माना जा रहा है कि इस बार का जो योगी सरकार 2 का कैबिनेट में लोग सम्मिलित होंगे, उसमें खासतौर पर क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण और प्रशासनिक सेवाओं में जो जिनका उसमें एक्सपीरियंस है उन लोगों को इसमें लिया जा सकता है। जी, तो जिस तरह से आज औपचारिकताएं पूरी करी जाएंगी, डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा भी हो सकता है, तो वहीं अगर बात करी जाए कल की यानी शपथ ग्रहण समारोह की, तो ऐसी खबर सामने आई कि अब तक की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लग रही है इकाना स्टेडियम में, और क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से इसे भव्य बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है पूरा बीजेपी? जी, आपको बता दें कि इकाना स्टेडियम को पूरे सुसज्जित तरीके से सजा दिया गया है और 4 बजे कल वहां शपथ होगा, जिसमें बीजेपी शासित जो भी राज्य जहां मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, चाहे बात की जाए हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, चाहे पेमा खांडू अरुणाचल से, चाहे बात की जाए गोवा से प्रमोद सावंत, चाहे हेमंत बिस्वा असम से, चाहे बात की जाए कर्नाटक से वसवाज बोम्बई, चाहे बात की जाए गुजरात से भूपेंद्र पटेल, चाहे बात की जाए कल अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाले पुष्कर सिंह धामी समेत चोनीमा से उप मुख्यमंत्री आपके अरुणाचल प्रदेश के चोनीमा भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपके बीजू देव वर्मा उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा समेत तमाम ऐसे बड़े नेता कल के शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ आपके देश विदेश से संत को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और हर एक तबके के
जो चाहे बात की जाए प्रशासन से, चाहे बात की जाए आपके प्रसिद्ध वकील, चाहे बात की जाए प्रसिद्ध बिजनेसमैन, सबको उसमें सम्मिलित किया जाए। साथ ही साथ लगभग 200 वीवीआईपीओ की सीट की वहां पे व्यवस्था की गई। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष से प्रमुख विपक्ष दलों के सभी नेताओं को भी न्योता गया है, जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से बयान आ चुका है कि अब तक इनविटेशन आया है, मैं इस बार शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हूंगा। 2017 के शपथ में आपने देखा था कि मुलायम सिंह समेत उनके पुत्र अखिलेश यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जिसके बाद ऐसी कई सारी आलोचनाएं हुई थी कान में बात को लेकर। तो इस बार अखिलेश यादव उससे बचते आ रहे हैं और इस बार वो साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। वही अगर बात की जाए तो विपक्ष से राहुल गांधी को भी न्योता गया है, प्रियंका गांधी को भी न्योता गया है, और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो और बसपा के महासचिव को भी न्योता भेजा गया है। अब हो सकता है कि सतीश चंद्र मिश्र और सुश्री मायावती भी शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हों। और वहीं अगर बात की जाए तो इकाना स्टेडियम में अब तक के सबसे बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ हर एक यूपी के 75 जिला के हर एक मुख्यालयों पे एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। साथ ही साथ हर एक जिलों के हर एक विधानसभाओं में भी टीवी स्क्रीन के माध्यम से कार्यकर्ता देखेंगे और हर एक विधानसभाओं से दो दो कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कार्यक्रम को पूरी तरह से भव्य बनाया जा रहा है। और जिस तरह से जो बड़े दिग्गज है, वीवीआईपी है, जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है, आज से वो जुटना शुरू हो जाएंगे, तो पूरा जो रूट है उसको किस तरह से सजाया गया है, और अगर बात करी जाए सभी आमंत्रित मेहमानों की, तो उनके रहने का कहां पे और किस तरह से इंतजाम किया गया है? जी, अगर बात करें तो इस बार के जो शपथ ग्रहण है जो कल 4 बजे से इकाना स्टेडियम में होगा, उसमें लगभग जो भी इकाना स्टेडियम के जो शहीद पद जो उस सड़क को जोड़ता है स्टेडियम से, उसको कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे कई सारे रूट है जिसको डाइवर्ट किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में 70 से 80 हजार लोग सम्मिलित हो सकते हैं और संख्या बढ़ भी सकती है। तो जो यातायात विभाग है लखनऊ के अंदर का और प्रदेश भर का, तो पूरे अपने वो तैयारी में है। साथ ही साथ हर एक जो सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो सुरक्षा के हर एक कोनों पे, हर एक चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात रहेगी, साथ ही साथ आर्मी के जवान भी तैनात होंगे, जिसमें आपके ऐसे गणमान्य आ रहे हैं तो उनके साथ जो एसपीजी के कमांडेंट होते हैं वो भी तैनात होंगे। चाहे बात की जाए प्रधानमंत्री की, चाहे बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, चाहे बात की जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, तो सबके जो सुरक्षा दस्ता है वो मौजूद होंगे। और अगर बात की जाए तैयारियों की, तो तैयारियों में आप देख सकते हैं कि अभी लखनऊ के लगभग चौराहों को भगवा झंडे से लैस कर दिया गया है, भाजपा के झंडे उस पर लगा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर जोश कहीं ज्यादा ही दिख रहा है। और कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्सुक है। और वहीं अगर बात करें तो प्रदेश भर में हर एक चौराहे को सजाया जा रहा है, भाजपा कार्यालयों को दिवाली की झालरों से जैसे सजाया जाता है वैसे सजाया जा रहा है। और वहीं जिला अध्यक्ष जो है उनकी अध्यक्षता में जो कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, वो भाजपा कार्यालय से शपथ ग्रहण समारोह को देख सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो एक तरह से भव्य त्योहार की तरह इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। दिवाली पर जिस तरह से हर तरफ रौनक होती है, रोशनी होती है, इसी तरह से हर चौक चौराहे को सजा दिया गया है झालरों से। वहीं अगर बात करी जाए चौराहों की, तो वहां पे भगवा झंडे, खासतौर से बीजेपी के झंडे भी लगाए गए हैं और भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। हर एक एलईडी स्क्रीन्स पर यह शपथ ग्रहण समारोह दिखाया जाएगा, हर एक विधानसभा में दिखाया जाएगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, हर एक बीजेपी कार्यालय में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जहां पे इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह को दिखाया जाएगा। तो वहीं कई वीवीआईपी आ रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम है जो चाक चौबंद कर दिए गए हैं। साथ ही अगर बात करी जाए रूट की, तो जिस तरह से अमौस एयरपोर्ट है वहां से लेके इकाना तक का जो पूरा रूट है उस पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और साथ ही रूट को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।